sudarshan varit le dure amrish raja mahan vaishnav bhakt mujhe atishay priya aur durvasa brahman brahma nisht brahman aur unko vipra shabd bhagavat mein amrish raja bhakt shabd bhagavat mein to guru durvasa muni ko bhagwan guru mante the lekin vaishnav ka jab baat aayi bhakt ki baat aayi to guru नहीं हम नहीं सुनेंगे जब ही वैष्णव की बात आई तो भगवान ने दुर्वासा मुनि ब्राह्मण वो ब्राह्मण वहां ब्राह्मण शब्द है इसलिए गुरु शब्द नहीं है वहां लेकिन गुरु जैसा मानते थे भगवान कृष्ण तो अमरीश राजा मुनि अति गणो वालो अतिशय प्रिय है लेकिन दुर्वासा ने मेरा मन वैष्णव का मन भंग किया अपराध किया वैष्णव का इसलिए चक्र सुदर्शन उनके पीछे और भगवान के पास आए दुर्वासा और दुर्वासा कहते मुझे आपके चक्र से मुझे आप बचाओ भगवान कहते मेरा बस नहीं चलेगा आपने मेरे भक्त का अपराध किया है हरि स्थाने अपराधे तारे हरि नाम तुम स्थाने अपराधे नाही परित्राण मारा रे भाद्या वैष्णव छोड़े मैं अगर किसी को बंदी बनाता हूँ तो वैष्णव उनको छुटपुट कर सकते लेकिन अगर वैष्णव बाध्या मैं न छूटे रहे अगर वैष्णव किसी को बंदी बना लेता है तो उसमें मेरा बस नहीं चलता मैं कुछ नहीं कर पाता बड़ो भक्त पद बड़ो भक्त पद कई बार भगवान अपने से भक्त को बड़ा बताते अहम भक्त पराधीनो ही अस्वतंत्र एव द्विज साधु वीर ग्रस्त हृदय तो ये भक्त है इन भक्तों का भगवान ये भगवान का नाता मारा रे बाध्या वैष्णव छोड़े वैष्णव बाध्या मैं हम भक्त पराधीन हो अस्वतंत्र एव द्विज साधु वीर ग्रस्त हृदय भक्तैर भक्त जन प्रिय भक्तैर भक्त जन प्रिय भक्त से भी भक्त का भक्त मुझे अतिशय प्रिय भक्त भक्त जन प्रिय तो ऐसे वैष्णव का हम अपराध स्वप्न में भी सोच नहीं सकते तो फिर मनसा वाचा कर्मणा कैसे कर सकते यत वाक मनोर भी कैसे कर सकते और भगवान आगे कहते हैं कि हूं तो वैष्णव थी क्षणो नहीं अड़गो भणे नरसयो ए पद साचुरे मैं वैष्णवों से एक क्षण वार भी अलग नहीं रहता छोटा हो या मोटा वैष्णव छोटा हो या बड़ा हो मैं ये भेदभाव नहीं करता मुने बजे मारा रे जो मुझे बजते हैं और स्पेशली एक माला जो करता है 16 माला की बात आगे एक माला करता है उन वैष्णव का स्वप्न में भी अगर वो अपराध हो गए हमारा सत्यानाश ऐसा क्यों एक उदाहरण मैंने बनाया हुआ उदाहरण है कि एक माता है जो भी एक माता है और उनका नवजात बच्चा है या 6 महीने का बच्चा है तो इन बच्चे का मैं अपराध करूं माता का नहीं बच्चे का कुछ स्लैप या गाली या धक्का लगा दिया या तो बच्चा मुझे माफ करेगा लेकिन माँ बाप ने माँ माफ करेगी हाँ क्यों क्योंकि बच्चा माँ को अतिशय प्रिय है वात्सल्य उमड़ आएगा 6 साल का बच्चे का मैं अपराध करूं तो बच्चा माफ कर देगा लेकिन उनकी माँ माफ नहीं करे वात्सल्य उसी तरह भक्त माफ कर देगा क्योंकि वो भक्त है अगर माफ नहीं करता है तो वो भक्त नहीं है कई भक्त लोग माफ नहीं करते तो वो भक्त नहीं है अमरीश राजा देखो कितना बड़ा उदाहरण कितने बड़े सम्राट राजा दुर्वासा के लिए 1 साल तक अन्न नहीं खाया इंतजार करते रहे जब तक सुदर्शन पीछे पड़ा था तब तक उनका इंतजार करते रहे और आके दुर्वासा उनके चरणों में फ्लैट साष्ट साष्टांग दंडवत प्रणाम अमरीश राजा चक्र सुदर्शन को प्रार्थना करते हैं कि हे भक्तराज अभी शांत हो जाओ चक्र शांत होता है बाद में अमरीश राजा दुर्वासा मुनि का सम्मान करते हैं उनको खिलाते हैं पहले इतना बड़ा अपराध
अमरीश राजा को मारने के लिए बड़ी कृत्या पैदा की दुर्वासा मुनि ने, मारने के लिए। और यहाँ अमरीश राजा उनके चरणों में पड़ते हैं, भक्त ब्राह्मण देव भूदेव प्रसाद ग्रहण कीजिए। तो भक्त भक्त को माफ नहीं करता तो वो भक्त नहीं।